ये अवैध शराब के ऊपर जो एक पहचान के ऊपर कार्रवाई की गई है, इसमें दो अभियोग दर्ज किए गए हैं और मुलजिम मौके से फरार। अजमेर की सबसे बड़ी टाउनशिप व अजमेर शहर की प्राइम लोकेशन पर अपेक्षा ग्रुप आपके लिए लाया है एडीए से अप्रूव प्लॉट्स व विला, जहां आपको मिलेगी 80% तक की लोन सुविधाएं। अब आप अपने ही बजट में खरीद पाएंगे प्लॉट्स और शानदार विला, जिसमें आपको उपलब्ध करवाई जाएगी सभी प्रकार की सुविधाएं। तो देर किस बात की, आज ही अपने सपनों का प्लॉट्स और विला खरीदने के लिए संपर्क करें सत्यनारायण धाकर 9672265558, अपेक्षा सिटी चाचावास पुष्कर बाईपास अजमेर। जी सर, किस तरह की कार्रवाई हुई, कौन सी जगह पे? इधर अवैध शराब का बेचान हो रहा था, उसको रोकथाम को देख करते हुए ये अवैध शराब के ऊपर जो एक बेचान के ऊपर कार्रवाई की गई है, इसमें दो अभियोग दर्ज किए गए हैं और मुलजिम मौके से फरार है। रात का समय था, अंधेरे को देखते हुए गलियों में पकड़ना असंभव हो गया था। कौन सी जगह पे हुई था ये? सासी बस्ती में, रामगंज। किस तरह से मुखबिर की सूचना मिली थी, क्या एक मुखबिर खास की सूचना थी कि इसमें 8 बजे बाद शराब का बेचान का बताया गया था उसके द्वारा, उसको उसकी मुखबिरी को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे दबिश दी गई और उसमें देखा गया कि उनका अवैध शराब का बेचान होना भी पाया गया। उसमें माल बरामद हुआ, इसमें एक ईश्वर है मुलजिम, उनके पिता का नाम रामकरण, जो कि उसके पास से 90 पगों की बरामदगी हुई है। आरोपी फरार है। अच्छा, कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, उसके अभी तलाशने का कार्य भी जारी है। अच्छा, ये क्या चुनाव को मद्देनजर रखते हुए? हाँ, ये आगामी चुनाव विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त आबकारी आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार ये टीमें गठित करके जॉइंट संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। सर, ये जो 8 बजे बाद रेस्टोरेंट और है, 8 बजे बाद जो अवैध जैसे मदिरा की दुकान को खुला होगा, अगर किसी में कोई ऐसी शिकायत मिलती है तो ज़रूर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर, कोई जुर्माना है वो आर एक्ट में जो नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। लगभग कौन कौन से ब्रांड है और कितनी? इसमें अभी RML रॉयल क्लासिक विस्की और देसी की बरामदगी हुई है दोनों केसों में, इसमें अंग्रेजी की बरामदगी नहीं है। आपका नाम? आशीष यादव, आपका निरीक्षक वर्त अजमेर दक्षिण।